नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद राणा आज आपके साथ बात करेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है हमारी सेक्सुअल लाइफ पे। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनी है। हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, इन चीजों से हमारी बॉडी बनी है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो पानी की है, और उसके बाद मसल्स की, बोन्स की। हमारे जो मसल्स हैं उनको बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं फंक्शनिंग के लिए। जैसे आज हम बात करें कोएंजाइम Q10, ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसी चीज है बॉडी में, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार भी कमजोरी हो रही है, आपकी बॉडी में कोई मिनरल्स की मात्रा कम हो रही है, जैसे मैगजीन, मैग्नीशियम है, जिंक है, या बहुत सारे हमारे मिनरल्स होते हैं बॉडी में, अगर वो कम हो जाते हैं वो भी दिक्कत करते हैं। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका भी अगर बॉडी में मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारे मसल्स में पेन होता है, दिक्कतें हो जाती हैं। आपको अपने आप को अगर हेल्दी रखना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको प्रॉपर दवाइयां लेनी चाहिए अगर कोई डिसऑर्डर है, और आपको प्रॉपर डाइट खाना चाहिए। प्रॉपर डाइट का क्या मतलब है? देखिए, हमारे देश में क्या होता है कि सबसे पहले हम खाने को लाते हैं, उसको बहुत ज्यादा तेल में पकाते हैं। तेल में पकाने से क्या होता है, गर्म तेल में आप कोई चीज डालोगे वो जल जाती है। तो जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब्जियों में, वो पहले तो फ्राई करने पे ही वो खत्म हो जाते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें मसाले डालते हैं और बहुत ज्यादा तेल की मात्रा होती है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है फूड की वो कम हो जाती है। आप ये देखिए भी, कोई भी खाना अगर आप खाते हो वो फ्राइड होगा, तला हुआ होगा। जितना आप फ्राइड खाओगे, जितना आप तला हुआ खाओगे, इसका मतलब है आप कम न्यूट्रिशन खा रहे हो। आप उस फूड में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमको खत्म कर देते हैं। जब वो आप खाना खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स की मात्रा पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, जब ये चीजें कम हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें हो जाती हैं। अगर आपको फील होता है कि आपको कमजोरी हो रही है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कोएंजाइम Q10 हो गया, एस्ट्राजेंसिन हो गया, एल कार्नटीन हो गया, यूबिक्विनोल हो गया। तो ये दवाइयां क्या करती हैं, ये दीज आर द मेडिसिन विच आर मेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये दवाएं जब आपके बॉडी में जाती हैं तो ये वो कमियां पूरी कर देती हैं बॉडी की, जिसकी वजह से आपको कमजोरी होती है। जब आप ये दवाइयां खाओगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़िया रहेगी, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक रहेगा, आपको प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी। दोस्तों, कोएंजाइम Q10 एक ऐसा सॉल्ट है, एक ऐसी दवाई है जो आपके स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी बढ़ाता है, जो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत भयंकर काम करता है। दोस्तों, अगर आप कोएंजाइम Q10 जो है, अगर इसकी मात्रा आप 100 mg या 150 mg दिन में दो बार लेते हो, आप 2 से 3 महीने तक अगर इस दवाई खाते हो, आपको 100% इनफर्टिलिटी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और मॉर्फोलॉजी तीनों चीज बढ़ा देता है। स्पर्म में बहुत जरूरी है, एक तो क्वांटिटी होनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए,
और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो लाइव होना चाहिए, वो उसके टेल्स अच्छे होने चाहिए, उसका हेड होना चाहिए, उसकी बॉडी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि जब एक स्पर्म जायगोट फॉर्मेशन बनाएगा, एक हेल्दी स्पर्म ही जायगोट फॉर्मेशन बनाता है। और आप मानिए कि या ना मानिए, जब आप इंटरकोर्स करते हो, जब स्पर्म विजना में जाता है, उसको ओवरीज तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आपका स्पर्म स्ट्रांग है तभी वो ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपको कमजोरी लगती है, आपको लगता है कि स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी मॉर्फोलॉजी कम है, आप सेक्स करते हो तो उसमें लगता है कि स्पर्म की जो क्वांटिटी वो कम है, या आप मास्टरबेशन करते हो, जब आप मास्टरबेशन करते हो उसके बाद जब स्पर्म बाहर निकलता है उसकी क्वांटिटी कम है, या पानी ज्यादा निकलता है, बगाड़ापन कम है, तो दोस्तों इसका मतलब है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, या आपको मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उसको कैसे हम चेक करें, ये बड़ा सिंपल सा एक सरल सा तरीका है, आप स्पर्म का जांच कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सीमेन एनालिसिस। आपने अपना सीमेन को लैब में देना है, ये टेस्ट वहां पर ही होता है जहां पर पैथोलॉजिस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि जो ही आप स्पर्म निकालोगे उसके 20 मिनट के अंदर इस टेस्ट को करना पड़ता है। अगर आप 20 मिनट के बाद टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट खराब होता है। तो आप क्या करोगे, आप अपने एरिया में पैथोलॉजिस्ट को ढूंढोगे, जहां पर पैथोलॉजिस्ट होगा वहां पर जाइए और वहां पर उनको बोलिएगा कि मेरे को स्पर्म देना है, तो स्पर्म वहां पर ही निकालिए लैब पे और उसका साथ में टेस्ट कराइए। अगर आप ये टेस्ट कराते हैं, उस टेस्ट को हम परफेक्ट टेस्ट मानते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट अभी आपने स्पर्म निकाला, फिर आप लैब पे गए, फिर आपने वहां पर दिया और पता चला लैब में वहां पैथोलॉजिस्ट ने वो दूसरी जगह लेके गया सैंपल को, तब तक टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं, आपको स्पर्म पैथोलॉजिस्ट के यहां पर ही देना है, या पहले पूछोगे लैब वालों से। अगर आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर फर्टाइल और वेदर यू आर नॉन फर्टाइल। अगर टेस्ट में आपके स्पर्म की क्वांटिटी क्वांटिटी मॉर्फोलॉजी कम निकले तो फिर आपको दवाई पे डाला जाएगा, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है कॉन्जाइम क्यूटन। तो दोस्तों आप ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको अगर आप लेते हैं नियमित रूप से 300 ग्राम मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में हम इसको डोजेज को आगे भी बढ़ा सकते हैं 400 500 600 ग्राम मिलीग्राम, लेकिन जो WHO रिकमेंडेशन 300 mg ही है पर डे। मसल्स को इंप्रूव करता है, मसल फटीग को खत्म कर देता है, ताकत को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सेक्स करने की चाह बढ़ाता है। तो है ना बढ़िया सॉल्ट। दोस्तों अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मेरे को जो नीचे लिंक दिया है इस पे क्लिक करिए, कमेंट्स लिखें, मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 91 36 36 36 92, बड़ा सिंपल सा नंबर है, 91 के बाद 92 होता है, बीच में 36 का आंकड़ा, 3 बार 36। मैं रिपीट करता हूँ, 91 36 36 36 92, या मेरा दूसरा नंबर है 9871605858। आप मेरे को देख सकते हैं sexualdoctors.com पे, मेरी वेबसाइट है bestdoctorsindelhi.com। दोस्तों आप मेरे से जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड इनफर्टिलिटी, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, किसी को बच्चे 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं हुए, चलो भाई IVF कराओ। IVF करना बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। भाई साहब आर्टिफिशियल बच्चे किसको चाहिए, और आपको क्या गारंटी कि आपने जो स्पर्म दिया डॉक्टर ने वही स्पर्म डाल दिया, क्योंकि आजकल आपको खुद पता मार्केट में क्या होता है। आपका स्पर्म काम नहीं किया तो मालिक को बुलाते, अरे ड्राइवर को बुलाते, आज अब स्पर्म दे, उसका स्पर्म उठाया, जायगोट फॉर्मेशन बना दिया और कहानी खत्म डाल दिया। तो दोस्तों सतर्क रहे, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप डॉक्टर राणा से मिलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके घर में एक बढ़िया सा बच्चा आए और आपके परिवार बिल्कुल खुशी से खिले। आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं,
और आप मेरे नीचे हुए दिए जो हमारा लिंक है उसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।